नमस्कार। ड्रग्स केस में न्यायिक हिरासत में आर्यन खान हैं और उनके परिवार को बॉलीवुड से खूब समर्थन मिल रहा है। हाल ही में कई बॉलीवुड हस्तियों ने शाहरुख खान और उनकी फैमिली को सपोर्ट किया। इनमें सलमान खान, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, पूजा भट्ट, हंसल मेहता, सुनील शेट्टी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। अब इसी लिस्ट में एक नामी दिग्गज एक्टर और राजनेता का नाम भी शामिल हो गया है। एक्टिंग छोड़ राजनेता बने राज बब्बर ने भी आर्यन खान को सपोर्ट किया है। राज बब्बर ने एक ट्वीट कर आर्यन खान का सपोर्ट किया। कांग्रेस नेता राज बब्बर लिखते हैं, शाहरुख यहां आए और हालातों का सामना कर सफलता प्राप्त की। मैं शाहरुख खान को लंबे समय से जानता हूं और मुझे पता है कि ये सब परेशानियां उसकी आत्मा को डिगा नहीं सकती। दुनिया उसके बेटे को मुश्किलों के जरिए सीख दे रही है। मुझे यकीन है कि एक योद्धा का बेटा जरूर पलटकर लड़ाई लड़ेगा। इस नौजवान आर्यन खान को मेरा आशीर्वाद। बता दें, राज बब्बर से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा था, मैं इन दवाओं का प्रशंसक नहीं हूं और कभी भी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन मैं उन लोगों को लेकर घृणित हूं जो शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी पर महाकाव्य लिख रहे हैं। थरूर ने कहा था, कुछ सहानुभूति रखें दोस्तों। उन्होंने कहा, जनता की चकाचौंध काफी खराब है। इसमें 23 साल के बच्चे के चेहरे को खुशी से रगड़ने की जरूरत नहीं है। बता दें, 2 अक्टूबर को ड्रग जांच एजेंसी एनसीबी ने गोवा जा रहे क्रूज पर रेड डाली और वहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया था। साथ ही कई प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद किए गए। इसके बाद एजेंसी ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी एनसीपी ने एनसीबी की कार्रवाई को फेक बताया है। एनसीबी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि हम सही तरीके से जांच कर रहे हैं। वैसे राज बब्बर के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।